पूरी एनर्जी लगी है मेरी भी आपको समझाने में, राइट? पता लगा? 1 घंटा आज नहीं, जिस दिन पहले दिन याद करिए, जिस दिन आप मेरे प्रोग्राम में आए थे और आज तक, क्या लगता है ये पता कहां से आता है आवाज? इधर दिल का मामला है। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हैं जो सच्चे दिल से जुड़ते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं। चलाकियां नहीं चलती इस बिजनेस में। कुछ लोग चलाकी करके थोड़ा बहुत कामयाब हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। अगर लंबा जाना है ना, दिल से। दिल का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं एक चीज बोलता हूं कि आपको दिल का मतलब ये नहीं होता, अरे मैं तो सर बड़ा, मैं तो बड़ा मुंह फट हूं, मैं बड़ा साफ आदमी हूं। कुछ नहीं है, बेवकूफ है आप। बेवकूफ में फर्क है। मुंह फट होने का मतलब किसने गलती कर दी, वहीं पर चार सुना दी, बड़े मुंह फट हैं जी, हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। अच्छा जी, आप ही हरिश्चंद्र की औलाद है ना, और तो कोई नहीं है। ये जो फालतू के हमने बोला अच्छा बनना है, कुछ लोग ना ज्यादा अच्छा बन जाते हैं। और हर चीज ना, एक्सेसेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति जो है ना, खराबी है। ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, राइट? कोई भी चीज ज्यादा करेंगे तो गड़बड़ होने वाला है। आपको यह पता होना चाहिए हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है। कभी कभी होता है, निकल जाती है, बाद में लगता है या कुछ ज्यादा हो गया, होता है ना। एक तो ना दारू पी के होता है लोगों का, बिना पी के भी होता है भाई साहब, जब मौका मिलता है। और ये बात मैं खुद महसूस करता हूं, कभी कभी मेरे से भी होता है। अब इससे ज्यादा मेरे को, मैं तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर्सनल फीलिंग्स होती हैं कि आज जरूरत नहीं थी इतनी बातें समझाने की, फिर भी समझा दी। लेकिन किसी दिन लगता है, चलो जो भी करता है ऊपर वाला ठीक करता है। बट क्या है कि सिस्टम में रहकर सिखाने की कोशिश कभी कभी ओवरडोज हो जाती है। सिखाने का मतलब क्या होता है, हो सकता है आपको 10 मिनट समझाना चाहिए, मेरे को सिखाना चाहिए 15 मिनट या 20 मिनट, मैं 1 घंटा सिखाता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे को इनको आधा घंटा समझाना चाहिए, फिर भी मैं एक्सीड करता हूँ। मैं सोचता हूँ 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म करते हैं या 10:30 तक खत्म कर, वो थोड़ा एक्सीड होता है, राइट? समवेयर मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि ये ज्यादा, इसको कम करना है। मतलब कॉन्शियसली फीलिंग आती है कि इसको करना है। ये नहीं है कि हाँ मत, सब ठीक चल रहा है जी, ऐसे नहीं, नहीं चल रहा है। अगर कोई चीज आगे जा रही है उसको करना है कंट्रोल, राइट? होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, कोशिश है, एक दिन होगा। अगली आवाज आज के स्पीकर के लेते हैं, वो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं रजनी जी से। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 7 स्टार, अब 8 स्टार की दहलीज की तरफ आप बढ़ रही हैं, और जब 7 स्टार बनने के बाद में एक अलग ही फीलिंग आती है अपने आप को भी, बस अब तो 8 होने वाला है, टॉप स्टार लेवल। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आज नेटवर्क इशू की वजह से आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग मेरी मिस हो गई, तो उसके लिए मुझे बहुत अजीब और गंदी वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर में ये वीडियो चला जाएगा यूट्यूब में, टेंशन नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल वीडियो में सारी चीज सुनूंगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक था ना सर, जहाँ हम ज्यादातर फंसते हैं, वही चीज थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है और क्लोजिंग में कहीं ना कहीं हमारे कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो सर बिल्कुल मैं अपनी सर छोटी सी चीजें, अपना जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर, वो बताना चाहूंगी कि अभी जैसे सर करनाल में थी मैं 2-3 दिन, और वहां पे काफी अच्छी हम लोगों की मीटिंग्स गई। और एक सर मतलब नो डाउट, पहले जो मैं 1-to-1 किसी से मीटिंग करती थी ना, तो एक डर रहता था और काफी सारी चीजें मैं नहीं बता पाती थी, मिस कर देती थी, और जैसे सामने वाला कोई क्वेश्चन पुट कर लेता था तो कहीं ना कहीं माइंड घूम जाता था। और फिर बाद में फिर वो मैं शेखर सर से आके बोलती थी, सर ऐसा हुआ, ये चीजें हुई, और आप इसमें कहाँ गलती की हमने। और लेकिन सर इस बार जब मीटिंग्स करी तो डेफिनेटली सर खुद में भी बहुत इंप्रूवमेंट फील हो रही थी, बिकॉज ऑफ आईनेट सिस्टम। इतना कुछ सिखा दिया सर इस सिस्टम ने, इतना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला दी। और शेखर सर तो हमेशा ही कितने, उनका तो दिल से थैंक्स है सर कि इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी इतना डीप डीप तक एकदम क्लियर करते हैं कि मैम यहाँ गलती हुई,
मतलब पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि नहीं मैम सब कुछ ठीक था लेकिन इस पॉइंट पे आप यहाँ गलत हो गए थे। तो बिल्कुल सर, और बहुत अलग तरीके से एक ट्रेनिंग चल रही है सर, आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, शेखर सर की ट्रेनिंग भी चल रही है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी सर जब मैं करनाल में गई तो वहाँ हम काफी सारे गाँव में भी गए, और सर गाँव में जाने के बाद जैसे समझ में आया कि हर एक पर्सन टू पर्सन ना जैसे हम शेयरिंग होती है सर, और नेचुरल सी बात है। अभी मेरा कुछ अभी अपने आप में मैं कहते ना अपनी स्टोरी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी शायद मेरी स्टोरी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो डेफिनेटली मैं तनु मैम की, सुशील चिकारा मैम की और शेखर सर की स्टोरी बताने की कोशिश करती थी, आपके बारे में बताने की कोशिश करती थी। तो जहां पर भी मुझे लगता था ना कि कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो बिल्कुल हाउसवाइफ्स हैं और बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हैं, तो वहां पर डेफिनेटली मैं सुशील चिकारा मैम को ऊपर रखती थी कि देखिए मैम है और बिल्कुल देखिए कितना अच्छा उन्होंने ग्रो किया है, अभी ब्रॉन्ज लाइन बने हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है सर, पहले मैं स्टोरीज को नहीं दिखाती थी और अपनी तरफ से ही चीजें बताती रहती थी तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अब फेसबुक ओपन करके जब हम उनकी फोटोज दिखाते हैं और जो शेयरिंग करते हैं, उनकी जो शेयरिंग है वो सुनाते हैं और उनके बारे में बताते हैं, तो नो डाउट सर इससे बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बहुत सारे हम ऐसी जगह भी गए जहाँ पे यंग बच्चे थे 19 और 20 साल के सर, वहां पे हमने शेखर सर की फोटोज दिखाई और सर मानिएगा मतलब इतना ज्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ा, वहां जो 5-6 बच्चे थे वो एकदम खड़े होके बोलने लगे कि हमें तो इनकी तरह ही बनना है और इनकी तरह ही हमें गाड़ी चाहिए कंपनी से, हमें तो बस बताओ कि काम कैसे करना है हमें। फिर उन्होंने कहा, फिर कहीं ना कहीं वही चीज कि 19 साल के बच्चे हैं और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है अभी फैमिली से। तो फिर मैंने शेखर सर की स्टोरी सुनाई कि देखिए वो सर ने भी स्टार्ट किया, उनको भी घर से नहीं था और उन्होंने भी अरेंज किया। तो इतना डीप तक उन्होंने मुझसे सर की स्टोरी सुनी कि कैसे अरेंज किया आप हमें ये बताइए, हम भी वैसे ही अरेंज करेंगे अपनी तरफ से भी पैसे, कि सर ने कैसे अरेंज किए थे। तो बहुत ही एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर जब स्टोरी हम किसी की भी सुनाते हैं सर। तो सर जब भी मतलब कहते ना पहले मैं ये चीज नहीं करती थी लेकिन अब मैंने ये चीज करनी शुरू की है तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आगे और भी कहते हैं नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं आइडेंट सिस्टम से। आज की ट्रेनिंग मेरी बहुत ज्यादा मिस हुई और उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना सर जैसे आप हमेशा बोलते हैं यूट्यूब पे हैं पर यूट्यूब पे जाके पूरा वो सुनना एक अलग चीज हो जाती है, और जो लाइव हम लोग सुनते हैं ना सर उस वो एकदम आपके माइंड पे बैठती है, और जो यूट्यूब पे सुनते हैं ना उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दी जल्दी उसको आगे निकालने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट हो गया, आगे पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग मिस हुआ उसके लिए सर रियली रियली सॉरी, और बिल्कुल सर आगे से इस कोशिश करेंगे कि नेटवर्क भी अपना स्ट्रांग रखें ताकि ठीक रहे इस चीज को। और बाकी का सर जो अभी 1 मिनट की वीडियो निकली है सर उसकी तैयारी चल रही है, और क्योंकि अभी 1 मिनट की वीडियो जो है नो डाउट बहुत लार्ज स्केल पे सब लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी कहते ना अपना एक नॉमिनेशन में नाम तो डालेंगे ही डालेंगे क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल है सर, तैयारी हर चीज की है, कोई भी ऑफर आए चाहे सर आपकी तरफ से वो ऑफर निकले चाहे कंपनी की तरफ से निकले, पूरी कोशिश रहती है कि मैं भी उसको क्वालिफाई करूं और पूरी टीम को क्वालिफाई करूं। सर मैं अपनी पूरी टीम का भी दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ सर, आज बहुत सारे टीम मेंबर्स मेरे आज मीटिंग्स में है और बिल्कुल दिल से थैंक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम को स्ट्रांग बनाना जैसे सर हमेशा बोलते हैं ना कि मुझे लगता है सर कि अपलाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, डाउनलाइन भी कितना अपलाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना सर मेन जो काम करता है सर वो सेल्फ मोटिवेशन ही करता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो अपलाइन आपको कितना भी पीछे पड़ता रहे करो काम करो काम करो ऐसे करो वैसे करो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर जैसे डाउनलाइन भी कहते ना अगर खुद से नहीं सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो थोड़े दिन तक करेगा अपलाइन के कहने पे, या हो सकता है ब्रॉन्ज कर ले सिल्वर कर ले गोल्ड कर ले प्लेटिनम तक भी जा सकता है, लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता। तो सर मेरा तो फर्स्ट डे से ही जो अपनी टीम मेंबर्स के लिए एक एक टीम मेंबर जैसे जुड़ता है ना सर तो उसके अंदर मैं ये खुद से कहना शुरू कर देती हूँ कि आप पहले खुद पक्के हो जाइए कि टियांशी को छोड़ के कभी नहीं जाना है, टियांशी ही है सब कुछ, यहीं से मिलेगा सब कुछ, सारे सपने इसी प्लेटफॉर्म से पूरे होंगे, सारे सपने इसी टियांशी से पूरे होंगे। तो पहले दिन से ये ठान के इस बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, और डेफिनेटली जब ये मन में ठान के आप ज्वाइन करते हैं ना
तो कहते हैं ना, आज नहीं कल नहीं लेकिन एक दिन जरूर सारे सपने आपके डेफिनेटली पूरे होंगे। सर मेरा बहुत विश्वास है, अब बिल्कुल सर जिस स्पीड से काम कर रही हूँ, चाहे हो सकता है थोड़ी देर हो जाए लेकिन डेफिनेटली सर मुझे सब कुछ चाहिए त्यांशी से, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे रॉयल्टी भी चाहिए और एक कहते हैं फॉरेन ट्रिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और सब कुछ मुझे पता है यहाँ से मिलेगा डेफिनेटली। तो बिल्कुल सर लास्ट में अपने मैजिक वर्ड के साथ इसको क्लोज करना चाहूंगी, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड एंड गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार रजनी जी, बेस्ट विशेस टू यू, जल्दी से एटस्टा बनिए एंड गो गोल्ड लाइन सून, ऑल द बेस्ट। और अगली जो आवाज है वो है तनुराज जी, हिमाचल की पहली ब्रॉन्ज लाइन लीडर फीमेल, नई गाड़ी, इंटरनेशनल टूर और लाखों रुपए की इनकम, जिंदगी बल्ले बल्ले, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल त्यांशिन फैमिली। और सर संडे का प्रोग्राम मिस कर चुकी हूँ मैं, पर उसके लिए मुझे क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना था सर, हमारा नेक्स्ट डे के लिए प्रोग्राम था, तो सर हिमाचल टीम रॉक। और अभी मुझे 3 से 4 दिन हो गए इस जर्नी में और बिल्कुल सर हम मिशन में निकले हुए हैं और बिल्कुल साइलेंटली निकली हूँ। और सर बहुत ही अमेजिंग और रियली सर थैंक्स टू यू आईडीएनएस सिस्टम, माय मेंटोर मिस्टर योगराज सर और मिस्टर शेखर सर, रियली बहुत ही सर मैं आज का सेशन में देख रही थी तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं जैसे आप बातचीत कर रहे थे तो जिस ढंग से आप मुझे हमें पढ़ा रहे थे बता रहे थे तो आज रियली मुझे ऐसा एहसास हुआ, रियली आज मैंने बिजनेस को डुप्लीकेट किया। और रियली सर सोलन रोडू के अंदर क्योंकि जो आज मेरे लिए प्रोग्राम रखा गया था तो सर मीटिंग सक्सेसफुल और रियली अमेजिंग अमेजिंग और बहुत ही मजा आ गया सर। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था जो वर्ड आप बता रहे हैं आज जो आज ट्रेनिंग सेशन में जो पूरी ट्रेनिंग हुई है तो रियली सर आई फील प्राउड कि जो मैंने सीखा वो मैंने सिखाया है आज टीम को और रियली सब पूरा क्रेडिट आईडीएनएस सिस्टम को जाता है और सर स्पेशली फॉर यू और सल्यूट यू और योगराज सर के लिए थैंक्स और पूरी एंटायर टीम हिमाचल टीम के लिए थैंक्स। सर आज का हमारा सुपर सेशन रहा रोडू के अंदर और एक छोटा सा सेलिब्रेशन उन्होंने रखा हुआ था क्योंकि बहुत टाइम से वो चाह रहे थे कि मैम आप ब्रॉन्ज लॉइन हो गए लेकिन हमने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट किया बिजनेस प्रमोशंस के लिए तो मैंने यही कहा कि हम लीडर्स के साथ बैठेंगे और मीटिंग्स करेंगे और रियली सर बहुत अमेजिंग सेशन और हमने सर आने वाले टाइम के लिए जो आपके लिए हमने 500 लोगों का प्रोग्राम किया है उसकी प्लानिंग भी हमने आज ही कर ली है तो बिल्कुल सर पूरा तैयारी है और बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है आज का, बहुत मजे आए हैं और सभी लोग एक्टिवली और हमने पॉलिसी की रिगार्डिंग बात की है तो पॉलिसी की अगर बात करें तो अभी आप देखेंगे सर आपको बहुत सारे पोस्टर बनाने के लिए एक ड्यूटी मिल जाएगी सो मतलब मैं बहुत खुशी हूँ आज के सेशन से और पिछले 3-4 दिन से प्रोस्पेक्टिंग चली हुई है सर बहुत ही अच्छी है और पूरी टीम एक्टिवली काम कर रही है, सोलन टीम में डेली बहुत ही अच्छे प्रोग्राम और सब लीडर एक्टिवली कर रहे हैं तो सर यही है कि आपका जो ईगो है वो आप हमेशा जीरो करें और ग्रेजुएटेड फीलिंग और सर जो आज आपने सिखाया है ना सर वो बिल्कुल हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो बिकॉज आज लीडरशिप जो है हम लीड कर रहे हैं हर लीडर को हमने यही सिखाया है तो सर आज बहुत अच्छा लगा, रियली फील प्राउड कि हमने जो सीखा है हमने आज वो हमने बताया है एज अ लीडर जो जैसे हम सुनते आए हैं तो वही हमने टीम को आज डुप्लीकेट करने की कोशिश की और बहुत ही लोग एक्टिवली और चाह रहे हैं कि फटाफट से टूर आए फटाफट से पॉलिसी आए और जो पॉलिसी आई है उसको इनकैच करे तो हम लोगों का आज यही मोटिव रहा टीम के साथ कि किस तरह से काम करना है किस तरह से किया जा सकता है आगे और अपने रैंक चेंज करना है तो सर बहुत जल्द गुड न्यूज भी देने वाली हूँ आपको अगेन तो बहुत सारे लोग अपना रैंक चेंज कर रहे हैं यहाँ से और बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल बना चुके हैं टारगेट गोल्स पे हम लोगों ने काम किया आज और सर बहुत ही अच्छा बहुत ही अमेजिंग जो आज की ट्रेनिंग सेशंस थी उसके लिए अगेन थैंक्स करूंगी और बिल्कुल सर जो आज का ट्रेनिंग भी था साथ में प्रोडक्ट के बारे में और बीसीएम सर जो अब हमारी न्यू बीसीएम आई है तो सर बहुत ही अच्छा और कंपनी हमें ऐसे दे जा रही है ना कि लो
ये सब कुछ बना पड़ा हुआ है, बस हमें इन कैच करना है, उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और ये सर हमारा काम है। और सर मजे आ रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, और सर किसी तरह का भी नहीं, सर मौज मस्ती में काम हो रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जैसे मैंने आपको कहा सर कि जिम्मेदारी डबल हो चुकी है ब्रॉन्ज लॉइन बनते ही, तो उस जिम्मेदारी को निभा रही हूँ, और गोल्ड लॉइन की तैयारी है, और बहुत सारे लोगों के रैंक चेंज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर तैयारी मस्त है बिल्कुल, और जबरदस्त वाली, और बहुत ही मजे आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग डे आज के लिए। और सर बारिश और मौसम और लोग जो एनर्जेटिक हो रखे हैं बहुत ही, और सही में सर, और जो सोलंग के प्रोग्राम की बहुत तारीफ हुई है यहाँ पर कि बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम, और बहुत ही लोग एक्टिवली, और आप सबको मिस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सेशन देखा, प्रोग्राम देखा, तो फाइनली उन्हें ये लगा कि ये गाड़ी हमारी निकली है, और आज हमें बहुत खुशी हुई है कि आप अपनी गाड़ी में आए हैं, और हमें भी अपनी गाड़ी चाहिए, वो भी त्यान से, और त्यान से वो सब कुछ चाहते हैं। और सर बहुत अच्छे लोग हमारे साथ बैठे थे यहाँ, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी ऑलरेडी उनके पास है, पर आज उनके व्यूज और थॉट्स मैंने सुने थे, तो सिर्फ वो ये कहते हैं मैडम आपने भी त्यान से लिया तो हमें भी त्यान से ही चाहिए। और रियली सर ये सबसे अच्छी बात थी, और सर मेरी जीत इसी में ही है, क्योंकि जिन लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ है वो त्यान से क्या चाहते हैं, वर्ल्ड टूर और खुद का अपना बिजनेस, जो कि जिस त्यान से पैसे से वो अपनी कमाई इनकम दिखा सके। सर रियली बहुत ही अमेजिंग, और बहुत ही रियल, मतलब मैं आई फील प्राउड कि आज मैं त्यांस में हूँ, और लीजिए सर का दिल से थैंक्स ऐसी इंडस्ट्री बनाने के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिनसे हमने बहुत सारे लोगों का ना सर सीरियसली एक रोजगार देकर उनके घर में ऐसे दिए, और ऐसा आने वाला रास्ता उनके लिए दिखा दिया है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपके बच्चे आप खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से, तो सीधे बहुत ही अच्छा। और सर सही में बस मुझे आज इस सर पैनल में आपका थैंक्स करना था, क्योंकि जो आज मैंने फील किया है तो उसके लिए सर मैं बार बार आपका थैंक्स कर रही थी दिल में, कि रियली तनु आज तुमने वो किया है जो जो हमें सिखाया जाता है, तो रियली आज योगराज सर ने जो मुझे सिखाया, सर आपने जो टीच करवाया है हमने उसको डुप्लीकेट किया, और बिल्कुल राज ठाकुर जी को इनको थैंक्स जरूर जाता है, और बहुत बड़ा, क्योंकि आज हमारे सफर में वो साथ है, ये सारथी बन के खड़े हैं, सारथी का रोल था, कृष्ण भगवान जो थे ना सारथी बने थे, और अर्जुन जो थे ना तीर चला रहे थे, अब तीर चला रहे हो, और जो सारथी वाला जो काम है वो हमारे राज जी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल आपका दिल से थैंक्स आईडीएनएस सिस्टम का, और जिससे मेरी पूरी एंटायर टीम क्रूम हो रही है, ब्रूम हो रही है, और एनर्जेटिक हो रही है, सीख रही है, सिखा रही है, सबसे बड़ी बात सर, तो बिल्कुल आपके लिए और हमारे आईडीएनएस सिस्टम के लिए दिल से थैंक्स, मिस्टर योगराज सर के लिए, हमारे मेंटर, हमारे गुरु कोच, उनके लिए दिल से थैंक्स, पूरी सोलन और हिमाचल टीम, शिमला टीम, मंडी टीम, जब मैं कहाँ कहाँ का नाम लूँ सर, हमारा जो काम है ना इससे बिल्कुल फैल चुका है, और मैं चाहती हूँ हिमाचल टीम रॉक और हमेशा ऊपर ही रहे, और सर एक शिमला की टीम ने, और जरूर मैं सर शेयर करूंगी, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि कल के प्रोग्राम में जरूर शेयर करें, तो शिमला टीम ने एक प्रॉमिस किया है कि हम शिमला टीम जो है टॉप वन पे आपको दिखेंगे तो बिल्कुल सर हमारे साथ देखो, शिमला शिमला वाले, शिमला वाले वैसे बहुत तगड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो सोलन भारी है। यस सर, यही सर वही चीज है, पर आज शिमला टीम ने कहा है कि मैडम जिस तरह तो लगता है तनु जी का संपर्क जैसे वापिस आता है फिर मैं जरूर लूंगा, फिलहाल हम उनके साथ एक और लीडर को लेंगे, और ये हैं सुशील मित्तल जी। सुशील जी वेलकम, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद, और आप 2-3 दिन से लगातार आ रहे थे, और मैंने कहा भी था आपको मैं जरूर लूंगा, तो वेलकम वेलकम।
गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू आपका दिल से, आपने पैनल पे बोलने का मौका दिया और पैनल पे जितने भी लीडर हैं उनका सभी का दिल से धन्यवाद है सर. गुड मॉर्निंग है सभी को. और सर आपकी तो क्या तारीफ की जाए सर, सैल्यूट है सर आपको तो. थैंक यू. क्योंकि जितने भी सर पैनल पे लोग बैठते हैं ना, ये मेरी सोच है, जिस लेडीज की जो भी समस्या है, जो भी विडंबना है, उस हर शब्द हर समस्या का सवाल का उत्तर जो समस्या जुबान से, तो ये सर सारी समस्या हमारी खत्म हो जाती है. और सर जो अभी आपने बोला, मेरी जो फीलिंग है सर, मैं मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे बयां करूं आपकी तो बारे में सर, जितनी भी तारीफ करूं कम है मेरे लिए. थैंक यू सर. जो मैं हूं, मतलब जो भी मैं बोल रही हूं, ये सब बहुत कुछ सर मैंने आपसे सीखा है. बोलने की बहुत बड़ी समस्या है मेरे सामने कि मुझे बोलना नहीं आता था सर, अभी भी नहीं आता, लेकिन अब मैं काफी कुछ सीख चुकी हूँ. और तो अभी आपने शब्द बोला तन्नू मैम की साथी, तो सर आप वो साथी हो सर वाक्य में कृष्ण भगवान जी. और मेरे एक जो सर पैनल पे जितने भी लोग बैठे, मैं सभी को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बताना चाहती हूँ सर कि मैंने तो सचमुच में सर आपको कृष्ण भगवान जी के रूप में देखा सर. बहुत बड़ी बात है आप जो इतनी बड़ी बातें हमें दे रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं. बट मैं एक ही बात कहूंगा, हम तो उनकी क्या बोलते हैं ना, धूल की मिट्टी हैं. बट ये है कि जो कुछ भी लक्षण उनके, उन्होंने जो भी गुण हैं, भगवान ने जो दिए हैं हम सबको कि अच्छे इंसान के रूप में हम आगे बढ़े हैं, तो उसमें जितना बेस्ट हो सकता है वो हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे. और ईश्वर ने चाहा तो हमें ऐसे रोल हमेशा मिलते रहे और हम हमेशा इसको क्या बोलते ना, अहोभाग्य समझेंगे कि ऐसे रोल मिले हमें जीवन में. सर जी मेरी मेरी आत्मा की फीलिंग है, क्योंकि मैं सर बहुत टूटी हूँ. मैं अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान में आई थी. मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रेम मैम का, जिन्होंने मेरी हेल्थ के ये रास्ता दिया मुझे. आज मुझे जीवन दान मिला है मैम की वजह से. और सर मिस्टर ली जियोन जी का तहे दिल से धन्यवाद है, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया. हम लाखों जैसी जो बीमार महिलाएं होती हैं, आज वो अपने जीवन को बचा भी सकती हैं और जीवन को बना भी सकती है यहाँ से सर. ये मेरी फीलिंग है. और सर जो मैंने अभी बताया कि सर मैं दस बार ऐसी टूटी हूँ सर, कि लग रहा था कि मैं अपनी जान जान दे दूं. मतलब मैं हर तरीके से टूट चुकी थी. और सर मैं आपकी जो मेरे मेरी आत्मा में जो सर रिस्पेक्ट है ना, जो मैंने आपकी शब्दों से जो मैंने बोलना सीखा और मैंने एक एक लेडीज को बताना शुरू किया सर, मेरी सारी समस्याएं आपके यहाँ से शुरू होती थी, यहीं से पहुंच कर देते थे शाम को. तो सर कई बार मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना मैं मर जाऊं, लेकिन सर पता नहीं भगवान जी के क्या मंजूर था, मुझे साक्षात सर मैं दादरी में रुकी हुई थी रात में, मैं और मेरे मित्तल जी. और सर मैं इतनी परेशान थी और 3 दिन से सर मैं रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. टीम का इतना बर्डन, टीम इतनी बड़ी हो गई सर, मुझे कुछ भी नहीं आता. जहाँ पे मैं बोलती हूँ जाके वहीं पे 7-8 ID निकल जाती थी सर, खाली ओनली डेमो सेशन से. सर ये जब डेमो लगा मेरे को इतना बेस्ट लगा, तो सर टीम इतनी बड़ी होती चली गई और मुझे आता कुछ नहीं था सर, तो मेरी समस्याएं बढ़ती चली गई सपोर्ट के बगैर. ये सबसे बड़ी विडंबना हो गई थी. और कुछ घर के हालात खराब हो चुके थे सर, तो वहां पे जब मैं 3 दिन से दिन रात रो रही थी सर, और फिर भी मुझे जाना पड़ा दादरी में. और जैसे ही वहां रात के 2:30-3 बजे के बाद सर मेरी आंख लगी थोड़ी सी, तो साक्षात कृष्ण भगवान जी के रूप में सर मुझे आप दिखाई दिए सर. तो जैसे मेरे को दर्शन हुए तो ऐसा लगा सर कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई. और मैं उठी 4 बजे, मैंने जिसके घर में रुकी थी मैंने उसको बोला सरोज मुझे नहाना है. मैं नहाई, मैंने भगवान जी का नाम लिया कि पाल सर और मुझे भगवान जी के रूप में दिखाई दिए हैं. तो संघर्ष है, मेरी जितनी दिमाग की समस्या थी सर सारी खत्म हो गई. और मैं सवेरे इस तरीके से मैंने काम किया सर, मैंने 5 गांव में डेमोस्ट्रेशन किए और वहां से इतना अच्छा बिजनेस निकला सर कि वाकई में कमाल हो गया सर. मैं धन्य हो गई सर,
उस दिन से सर मैंने बस चली रही हूँ, और बीच में ऐसे कई मोड़ आए सर, मेरे को साक्षात मैं भगवान जी का भला कहते ना, आत्मा से आत्मा मेरी गदगद हो गई है, जो उस रूप में मैं आपके दर्शन पाती हूँ सर। तो सर सल्यूट है मुझे दिल से आत्मा से। आपका अभी भी बड़प्पन है ये सुशील जी, सुशीला जी, ये आपका बड़प्पन है, और इस तरह के आपके विचार हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, हम तो एक नाचीज इंसान के रूप में आपके साथ काम कर रहे हैं, और मैं दुआ करूंगा आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से ये रोल हम सब लोग मिलकर और अच्छा करें और बढ़िया करें। और वाकई में ही जब कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो जब आप किसी पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव इंसान को याद करते हो तो बहुत सारी समस्याएं उससे दूर हो जाती हैं। तो ये ईश्वर की शक्ति है कि अगर आप डिवाइन पावर को याद करते हो तो डिवाइनिटी आती है, और जो लोग डेविल पावर को यूज करते हैं वो फिर डेविलनेस आ जाती है। तो जबरदस्त है, आपकी फीलिंग में समझ सकता हूँ, एक इमोशंस हैं। और होता ये है कि जब हम कहीं पे किसी के साथ में बार बार जुड़ते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों में वो बातें होती है जो हमारे बातों को, हमारे मन को अच्छी लगती है, हमारी फीलिंग को अच्छी लगती है, तो उसको लगता है कि यार ये तो सारी बातें मेरे साथ हो रही है, ये तो मेरे साथ हो रहा है, कनेक्ट करते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो ऐसे ही हुआ था कि मैंने देखा यार कि हम जैसे लोग कहाँ कामयाब होंगे। मैंने बहुत लोगों को बताया, लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी, मेरी बातों को नहीं माना, और फिर नेगेटिव करने वाले और भी थे, अड़ोसी पड़ोसी भी, तो मेरे को लगता था। बट फिर मैंने देखा यार जब दुनिया में इतने सारे लोग कामयाब हो गए जो स्टोरी बताते थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था, मैं कर्जे में था, मेरे को दिक्कत थी, जब ये सब कामयाब हो गए तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये ऐसे ही कहीं ना कहीं जीवन में हमारे लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, और शायद ऐसे ही कहीं एक घटना हमारे साथ भी है कि आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं दुआ करूंगा आपके लिए, तो हमेशा आपके अच्छे हेल्थ के लिए, और ट्रांस बिजनेस में आप आए हैं तो हेल्थ को अच्छा बनाते बनाते आगे आप बढ़ें, एट स्टार बने, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जल्दी से आप गोल्डन भी बने। आपके लिए बेस्ट विशेष हैं, और मैं जरूर चाहूंगा आप अपने फाइनल वर्ड भी कहें। सर अभी एक दूसरा चांस हुआ मेरे साथ अभी 3 महीने पहले। सर घर की समस्या काफी बढ़ गई, सासू माँ थी, सीरियस हो गई थी, सर लग रहा था सांसें छूटेंगी। अभी जो दूसरा कोरोना आया अभी ये, तो सर काम का बर्डन ज्यादा, इधर से समस्या घर की फैल गई, सांसें रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी माँ जी की। और सर 2.5 महीने हो गए थे, सीरियस हो गई काफी, और बाहर भी जाना, घर भी संभालना, और घर वाले कह रहे थे नहीं जाना बाहर, इसी को संभाल, और किसी को नहीं कह रही। सर मैं सबसे बड़ी कमी है, मैं टीम में कभी कुछ भी नहीं कहती, चाहे मैं 2 दिन खाना ना खाऊं, 4 दिन ना खाऊं, लेकिन चलती रहती हूँ सर, चाहे मैं ये ठप्पा ना सोऊं, लेकिन काम जरूर करती हूँ सर मैं। तो बहुत समस्या आई, और फिर मैं सर एक दिन ऐसा आया कि थके वैसे ही टूट के, और 2 दिन हो गए थे मुझे रोते हुए, नहीं जाने दे रहे थे, मैं लेट गई, और सिर्फ सुबह के 10 बजे हुए थे, लग रहा था पता नहीं आज फिर वही समस्या मेरे सामने आ गई, मैं क्या करूं। खाना नहीं खाया था सर, 3रा दिन था, और मैं लेट गई जैसे सारा काम करके। तो सर सचमुच में मेरे को सपने में फिर वही दृश्य दिखाई दिया, साक्षात कृष्ण भगवान जी के रूप में आप मुझे दिखाई दिए, और मेरे को बोले कि मेरा नाम लेके थे, उठ खड़ी हो और काम पे चल, सीधा यही बोला कि सुशीला उठ और खड़ी हो, काम पे चल। और मैं ये सोच के सोई थी सर मैं आज मैं जीऊंगी नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगी, या तो मुझे मेरा दो ही मेरे अरमान है सर, या तो मैं जान दे दूं या मैं ट्यांस करूं। वाह क्या बात है, क्या बात है, मेरे इतने कड़े इरादे हो चुके हैं सर, और मैंने इनको ये बोल दिया कि ट्यांस मैं छोड़ूंगी नहीं, जान दे सकती हूँ। और त्यान जान देने नहीं देगा ना, त्यान में वो शक्ति है, जान की तरफ सोचोगे नहीं अब, अब तो पागलपन और जो दीवानगी है, वो कहते हैं आई लव त्यान हो गया है, आई लव आईटी सिस्टम हो गया है, तो हाँ जी सर, बस वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, जो हमारे धर्मराज है वो भी ये बोलेंगे भैया तुम कुछ कर लो यार, ठीक है ना, अब पंगा तो ले लिया आप लोगों ने, बस इस पंगे के साथ आगे बढ़ना है हमें। और बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे काम को कर रहे हो, एक अच्छे काम के लिए आप फाइट कर रहे हो, है ना, अच्छे रास्ते के लिए फाइट कर रहे हो। हाँ ये जरूर है कि आपके घर में चैलेंज है, सबके साथ कोई ना कोई चैलेंज है, सभी कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, बट फाइटर हमेशा जीतता है, आपको हमेशा फाइट करना है। बहुत बढ़िया सुशील जी, आपकी भावना सर, मैं उठी, हाँ जी सर, तो मैं उठी, मैंने जैसे सपना दिखा तो मैं उठी, और मैंने पानी डाला नहाने के लिए, तो मित्तल जी बोले कहाँ चले, अब कहाँ की तैयारी है, मैंने कहा कहीं नहीं, मैंने चुप रही, मैं नहा के तैयार होगी, और मैंने बोला कि मेरे को छोड़ के आओ वहाँ पे, लेके चलिए मेरे को इस जगह पे जाना है, क्योंकि सर मैंने 10 दिन पहले वहाँ पे तैयारी की थी एक मीटिंग की, और वहाँ पे काफी लेडीजें तैयार हो चुकी थी, मैं 4 महीने से वहाँ पे काफी मेहनत कर चुकी थी, उस दिन मेरा लास्ट था सर, जो दिन भी रखा हुआ था मीटिंग का, लेकिन
मैं फाइनल नहीं कर पा रही थी और मैं उठी नहा के इनको बोला, इन्होंने गुस्सा भी किया, मैं चुप रही, मेरे को बस वहां तक लेके जाइए। सर लेके भी गए, मित्तल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि भलाई गुस्से में आए, दो दिन आए चार दिन आए लेकिन मुझे लेके चले ही जाते हैं। सर मैंने वहां पे मीटिंग की, जबरदस्त मीटिंग हुई सर, 17 ID वहां से आई, सभी लेडीजों को एक ही जगह मैंने सभी को बुलाया, वहां पे जबरदस्त मीटिंग हुई सर। तो सर उस दिन का तो सर दिल से आपको सल्यूट है सर, कहां मैं मरने जा रही थी सर और कहां 17 ID आई। मैंने आते ही प्रेम मैम को बताया आपके बारे में भी कि सर मेरे को इस में दर्शन देते हैं, तो प्रेम मैम बोली आपकी फीलिंग है, जिस नजरों से आप जानते हो सोचते हो समझते हो वही आपको दिखाई देता है। बिल्कुल। तो सर साक्षात आप जो इतने लोगों को सर जीवन बना रहे हो ना सर, एक एक शब्द जो आप बताते हो समझाते हो सिखाते हो सर, मैं तो धन्य हो गई हूँ सर। मैं वो लेडीज हूँ सर, 0% 0% सन्नाटा थी मैं सर, एक शब्द नहीं जान सकती थी, मैं कैसे बोलूं किससे क्या कहूं, लेकिन आज सर आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपका प्यार स्नेह हमेशा हमेशा आपके साथ में। थैंक यू जी सर। तो बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू सर दिल से। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सुशील जी, बस ऐसे ही आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और इसी जज्बे के साथ आपको जल्दी से जल्दी 8-star बनना है और फिर एक ही चीज आपके दिमाग में दिल में रखनी है, गोल्ड बनना है, घर की दीवार में लिख लो और मित्तल साहब को बोल दो कि गोल्ड बनना है, गोल्ड से पहले नहीं छोड़ने वाली पीछा, ठीक है। और फिर गोल्ड के बाद मित्तल साहब बोलेंगे फिर तो तनु जी, देख रहे हो ना आप तनु जी के सारथी कौन है इस टाइम, है ना, राज साहब ठाकुर साहब जो है ना सारथी बने पड़े, तो बस ऐसी होता है। देखो तनु जी आ गई है, उनका लगता है नेटवर्क उधर खत्म हो गया था, इधर दिखाई दे रही है। तनु जी बस क्लोज करिए क्योंकि आपने और सुशील जी ने आज का प्रोग्राम क्लोज कर दिया है और बहुत ही शानदार, दोनों की स्पीच, दोनों की फीलिंग, इसको बोलता हूँ मैं तो अपने आप को बोल रहा हूँ मैं धन्य हो गया हूँ। अगर आप इतना तारीफ कर रहे हैं तो बिल्कुल सिर माथे पे है आपका ये कॉम्प्लीमेंट्स, और ऐसा लगता है कि बच्चा जो है ना सही जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट अगेन और मौका देने के लिए, और बिल्कुल दिल की जो बातें थी वो आधी रहेगी, और सर कई बार अच्छा हो रहा होता है ना तो ये फोन धोखा दे देता है। तो सर हम छोड़ने वाले थोड़ी है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सर हम बात कर रहे थे शिमला टीम की, क्योंकि मेरे लिए पूरी टीम एक है, क्योंकि पांचों एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर है, लेकिन बच्चे बच्चों को देख के सीखते हैं। तो शिमला टीम हिमाचल टीम से शिमला टीम चाहती है मैम सोलन टीम लीड कर रही ना, हम भी करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा पूरा मौका है, आप लोग लीड करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप भी बच्चे वही हैं, ये जो है ना, और वो भी ये जो है ये सेव वाले लोग हैं, इलाका अपने आप को भारी समझते हैं, हल्के में मत लेना सोलन वालों को, तो बड़ा भारी पड़ेगा। अब चैलेंज ले लिया है, अगले एक साल में देखते हैं सोलन आगे शिमला आगे, हेल्दी कंपटीशन रहेगा, बट मुझे ये पता है कि है भारी मामला, कुछ भी कर सकते हैं शिमला वाले, राइट। बिल्कुल सर, मैं भी घबरा गई थी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज मुझसे बातें की है, तो मैं कह रही ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लीड करो, हम आप दोनों टीम के साथ खड़े हैं हर तरह से। तो रियली सर आज बहुत ही मजे आए शिमला टीम के साथ और हमारे लीडर डायमंड लीडर, और अगली आवाज मोनिका जी को ले लीजिए, फिर बाद में क्लोज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम मोनिका जी। जी सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड सर सुपर सुपर अमेजिंग, सर अमेजिंग, आज रोडो में जो प्रोग्राम रहा हुआ है सर, सुपर से भी ऊपर रहा हुआ है। ऑल लीडर्स 35 लीडर्स मैंने बुलाए थे यहाँ पे, पूरी टीम इनवाइट नहीं थी सर, सिर्फ ओनली लीडर्स इनवाइट थे। देन उनको थैंक्स करना चाहूंगी तन्नू मैम का, उन्होंने हर एक लीडर को एजुकेटेड किया यहाँ पे, और हमारी जो एक ही आवाज थी सर शिमला से लीड करना है, बस शिमला टीम सर रॉक, सबसे पहले अब शिमला टीम आएगी और इस तरह से काम निकालना है सर, बहुत जल्द ब्रॉन्ज लाइन करना है सर और पूरी टीम का रैंक चेंज करना है सर।
लास्ट में सर यही कहेंगे बेटर त्यांश बेटर लाइफ आई लव त्यांश आई लव आडिनस सिस्टर आई एम अ डायमंड वी आर ऑल डायमंड सर और हमारा मिशन 100 गोल्ड लाइन का 100 सिटी में और सर 100 एंडेवर और सर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ठान लिया एक एंडेवर हमारी भी होगी yes. और बिल्कुल सर बहुत ही और हमने सबने आपको मिस किया और सर 500 लोगों का प्रोग्राम शिमला के अंदर हम लोग करने वाले हैं और जो कि मोनिका जी की लीडरशिप में और हम लोग करेंगे और चांचल, चांचल में पार्टी होगी चांचल में जाके यस सर होगी पार्टी बर्फ के बीच में यस सर और बिल्कुल हिमाचल ट्रेडिशनल तरीके से प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और जो हमने आज बात की है और बिल्कुल सर हम आपको पूरा मौका देंगे और हम चाहते हैं कि आप रोडू शहर में आके और इस माहौल को और अच्छा बनाएं क्योंकि बिल्कुल सर आपसे ही हम लोग हैं और आइडियल सिस्टम से और योगराज सर का बिल्कुल आशीर्वाद हमारे साथ है और बिल्कुल सर बहुत ही अच्छी फीलिंग आज के लिए और रियली सर ऑल क्रेडिट गोज टू यू और आइडियल सिस्टम थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर सुपर 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 अल्टीमेट इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर यू आर रॉकिंग योर टीम इज रॉकिंग एंड द स्पिरिट इज हाई एनर्जी इज हाई बिल्कुल क्लाउड नाइन में काम हो रहा है और यही स्पिरिट आपने बना के रखी है गो गोल्ड लाइन बोथ ऑफ यू डिजर्व्स टू बी गोल्ड लाइन सून अगले स्पीकर जी योगराज जी एंड सुशील चिकरा जी हैं दो स्पीकर को ले पाएंगे हम टाइम थोड़ा सा ज्यादा एक्सीड हो रहा है बट फिर भी वेट करें और दोनों ही लीडरों को जरूर सुन के फिर हम अपने प्रोग्राम को विराम देंगे वेलकम सर वेलकम स्वागत है आपका थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आपके साथ में आपकी लीडरशिप में जबरदस्त सर्दी में भी गर्मी है बरसात में भी गर्मी है पानी में भी आग लग गई है थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर First of all, sir, good morning, all of you. And I congratulations to Tanu ji, Monica ji, and best wishes ki aap jo hai. Abhi aaj ka jo program tha, uske liye congratulations. Aur saath mein jo aapka target hai, jo aapne decide kiya hai, aapka jo goal hai, uske liye my best wishes. And be with you, IDNS system with you. Main do baatein karna chah raha tha, socha ek hi karun, but ab lagta hai ki dono hi karne chahiye. Ki लक्ष्य बिना जीवन जो है उस लिफाफे की तरह है जिसपे एड्रेस नहीं लिखा होता जिसपे कोई पता नहीं लिखा होता है क्योंकि अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है गोल नहीं है टारगेट नहीं है तो फिर हम जिंदगी में किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं तो इसके लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है गोल होना बहुत जरूरी है और ये जो कंपटीशन की भावना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कंपटीशन करते हैं और जब आप एक दूसरे से लर्न करते जब आप एक दूसरे की सक्सेस को देखकर आप वहां से जिद पालते कि मुझे भी करना है और जब ये कंपटीशन की भावना आती है तो डेफिनेटली यू विन यू कैन और हमें पूरी आशा है कि आप इसको करेंगे और दूसरी चीज मैं एक और चीज कहना चाहूंगा अभी सुशील जी भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे और तन्नू जी ने भी अपनी स्टोरी शेयर की कि अगर हम दूसरे से प्रेम की आशा करते हैं कि अगर दूसरा हमें कोई प्यार करे प्रेम करे तो उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी जब आप खुद से शुरुआत करते हैं तो प्रकृति का नियम है कि जो आप बोते हैं ना वही आप पाते हैं तो इसलिए जो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं एक्सेप्ट करते हैं वो हमें खुद पहले करना पड़ेगा अगर आप दूसरे से प्रेम की उम्मीद करते हैं प्यार की उम्मीद करते हैं तो आपको जो है ये शुरुआत खुद से करनी है अगर आपने खुद से शुरुआत की जो आपने बोया है वही आपको काटने को मिलेगा तो सर यही सब हो रहा है और आप दे रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम से आपने जो एजुकेशन दी है सपोर्ट किया है गाइड किया है और जिस हिसाब से आपने ग्रूम किया है हमें जो है डेफिनेटली ये सारी चीजें हो रही हैं और जब आप हम किसी चीज को सोचते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है सो आज जहां पर भी है कुछ भी है वट एवर बी टूडे बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग योर गाइडेंस क्योंकि कोई ना कोई शख्स ही होता है जो गाइड करें और सपोर्ट करें सो वो आप कर रहे हैं सो वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू एंड जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं अलग अलग रीजन में दे ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट टीम वर्क मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपना लक्ष्य बनाएं अपना गोल सेट करें और उस गोल के लिए उस लक्ष्य के लिए आप डेली निरंतर आप प्रयास करें क्योंकि लगातार किए गए प्रयास ही किसी भी सफलता को जन्म देते हैं अगर आपको सफल होना है हमें तो हमें लगातार प्रयास करना है
तो आप पर हम ये सब कर रहे हैं और सेल्फ सेल्फ जो है सेल्फ चेक बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को जो है सेल्फ एनालाइज नहीं करते हैं, आप हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं, तब तक दिक्कत रहती है। क्योंकि अगर आप तलाश कर रहे हैं ना उस इंसान को जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, तो आप एक बार आईने को जरूर देखिए। जब जब आपको ये ख्याल आता है मन में कि आपको वो कोई इंसान कामयाब कर देगा, तो सिर्फ जब आपको सिर्फ आईने को देखना है, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई भी शख्स नहीं है जो आपको सक्सेस कर सकता है, कामयाब कर सकता है। क्योंकि दूसरा शख्स सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, पुश कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, बट फाइनली करना आपको है। और जब आप कर रहे होते हैं ऑलवेज आप जो है अपना सेल्फ एनालाइज करें और टाइम टू टाइम आप चेक करते हुए जो है आगे बढ़े, अपने गोल की तरफ बढ़े, तो डेफिनेटली वी कैन एंड यू कैन। सो आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी चीज, पैनल पे जितने भी आज हमारे फ्रेंड्स हैं, 73% हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमें ब्लेस करें, और आप सभी की ब्लेसिंग की मुझे जरूरत है। क्योंकि आज मैंने भी एक नया मिशन स्टार्ट किया है, एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया है, और ग्रुप का नाम है टियान सेकंड जनरेशन विलो 30 गोल्ड लाइन, कमिंग 5 ईयर्स विलो 30 100 गोल्ड लाइन का हमारा टारगेट है। और अगले 1.5 साल जो भी हमारे पास बचा है 2022 दिसंबर तक जो है, टारगेट इज 1000 यंगेस्ट जो है लीडर्स हम यहाँ पे जो है इस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो आप सभी भी रेडी हो जाएं, और आपके पास जिसके पास भी बिलो 30 जो यंगर्स हैं, आप उनको हमारे साथ जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और इस ग्रुप के माध्यम से जो हम उनको ग्रूम करेंगे। और जो हमारे 5 साल का टारगेट है कि हम बिलो 30 100 यंगस्टर्स को गोल्ड लाइन बनाएंगे, तो ये नया टारगेट, और इसी के लिए आप सभी की ब्लेसिंग्स और प्यार की हमें आवश्यकता है। तो जरूर डेफिनेटली आप प्रे करें, हम इसमें जो है विन करेंगे, कामयाब होंगे। सो फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, गेट रेडी, लेट्स फ्लाई टुगेदर, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईडीएनएस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। जबरदस्त, बहुत शानदार योगराज जी, और जैसे आपने कहा बिलो 30 गोल्ड लाइंस की फौज की फोर्स पैदा करनी है, और ये डेफिनेटली बहुत ही रॉकिंग आइडिया है, और ज़बरदस्त तरीके से ये अलग से टीम खड़ी हो जाएगी पैरेलल में, जो कि हमारे यंग जनरेशन के लिए बहुत शानदार रोल मॉडल होंगे। बेस्ट विशेस टू यू वंस अगेन, एंड गो डायरेक्टर वेरी सून। ऐसे ही एक और लीडर हमारे सुशील चिकारा जी, ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लायन फ्रॉम बहादुरगढ़। वेलकम सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और सर आज तो मुझे जबरदस्ती बोलना भी था, क्योंकि मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे BLD बनी सर, सोचा एक सपना है, लेकिन कल हमारा जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा गया, उसमें सर जो फीलिंग मुझे हुई, वो फीलिंग मैं आज से पैनल के अंदर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब फीलिंग मुझे दिलाने वाला ये पैनल ही है सर। इस पैनल की वजह से जो मैंने सीखा, उसकी वजह से, सीनियर्स की वजह से जो मुझे मिला, मैं मेरी टीम या जितने भी IDNET के अंदर जो लीडर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सबको वो शेयर करना चाहती हूँ। सर सबसे पहले तो जैसे योगराज सर ने बोला कि अगर हमें जब भी लगे कि हमें कामयाब करने के लिए कोई और आएगा, तभी हमें खुद को आईने के सामने खड़ा करना है, क्योंकि हमें सिर्फ हम ही कामयाब कर सकते हैं। सीनियर चाहे जितनी भी कोशिश करे, जब तक हम साथ नहीं चलेंगे, सीनियर के सबमिशन में नहीं आएंगे, तो सीनियर अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब सीनियर और टीम दोनों सबमिशन में होंगे, तो सर बहुत कुछ हो सकता है। और सर ये सब चीजें मैंने कल फील की, कल हमारा एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा, और सर जैसे होता है ना सर, कभी भी मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसमें मैंने खुद कोई जिम्मेवारी ली हो। मेरी जिंदगी का फर्स्ट ये काम था सर, ये मीटिंग मैंने खुद अरेंज की, हर चीज मैंने अरेंज की सर, लेकिन एक हफ्ते से नींद भी नहीं आ रही थी, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी,
कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और कुछ मेरी टीम के मेंबर भी मिस हो रहे थे, किसी को कहीं जाना था, प्रेम जी के बेटे की शादी थी, उनको भी कहीं जाना अचानक पड़ गया। हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनका भी, सर मैं यूपी में काम चल रहा था तो वो भी वहां गए हुए थे, तो उन्होंने बोला सुशील जी आप एक काम करो, आप कैंसिल कर दो, हम नेक्स्ट संडे को अच्छे से करेंगे और मैं खुद अपने हाथों से तैयारी करूंगा। तो सर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हुई कि मैं अपने सीनियर को भी बोल चुकी हूँ, टीम को भी बोल चुकी हूँ, मैं कैंसिल तो नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होगा, मेरे हस्बैंड ने बोला टेंशन मत लो, हर चीज हम रेडीमेड करेंगे। तो सर वो चीज एक बार तो सोचा कि नहीं रेडीमेड नहीं, जो हमने सोचा हमें वही करना है। तो मेरी टीम अनिता जी है, मैंने उनसे सुबह उठ के ही उनसे फोन किया, उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं, जो पोस्ट वो करो लेकिन कैंसिल मत करो। लेकिन उसके बाद सर हमने जो सोचा था शाम तक हमारा वही हुआ, लेकिन रात को भी मेरे हस्बैंड सो चुके थे, मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्या होगा सुबह क्या नहीं होगा। लेकिन सर जब मैं सुबह ऑफिस पे गई, यहाँ तक कि ऑफिस फ्रेंचाइज के अंदर मेरे जाने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ सर, 200-250 लोगों की गैदरिंग, सर मैं इतनी खुश हुई कि जो मैं सपना था, जो मैं चाहती थी, मुझे भीड़ इकट्ठा करनी है, मुझे अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करना है सर, वो सब कुछ यहाँ तक कि सीन हमें ये भी सोचना पड़ गया कि सर हम सीनियर को कहाँ बिठाए, इतनी ज्यादा भीड़। फ्रेंचाइजी का जो हॉल है सर, बड़ा हॉल आपने देखा सर, वो हमारा हॉल पूरा फुल, उसके बाहर जो कमरा है सर वो भी फुल, यहाँ तक कि जो सीढ़ियां थी सीढ़ियों पे भी सर, वहां पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वहां भी नहीं आ पा रहे थे सर। हमारा जो हॉल था एकदम खचाखच, एसी भी फेल था सर हमारी भीड़ के सामने, इतनी ज्यादा गर्मी, लेकिन लोगों का पेशेंस इतना ज्यादा था सर, इतना ज्यादा था कि वहां से कोई भी आवाज नहीं आई, डिले तक भी नहीं सर, इतना जबरदस्त प्रोग्राम रहा। बट सर आप बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर पोल सर भी होते तो यहाँ भी आईडी नेट ही छा जाता, तो बहुत अच्छा लगता सर अगर आप भी होते। लेकिन सर वहां पे जो बीएलडी बनने पे सर जो मान सम्मान मिला, जिंदगी में ये मान सम्मान सर मुझे कभी भी नहीं मिला। मेरी जिंदगी का कल ऐसा पल था सर कि जितनी खुशियां मुझे कल कभी नहीं मिली। कल मैंने सर अपने भाई भाभी को बुलाया, बहनों को बुलाया, अपनी जो सासू माँ है उनको बुलाया, और सर जब मेरी सास ने पूरी मीटिंग के अंदर बोला कि अगर बहू बेटे हो तो ऐसे हो और ऐसे ही बहू बेटे चाहिए, सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई काम नहीं किया कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर गर्व करे, हमारी फैमिली हमारे भाई बहन गर्व करे सर, इतना अच्छा मोमेंट था जो मुझे त्यांश ने दिया सर। जो हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर ए के पांचाल सर हैं, कहते हैं ना सर एक रस्म होती है पगड़ी की, और सर ने जब मुझे और प्रेम जी को वो पगड़ी बांधी तो सर ने बोला कि आज से यहाँ के लीडर आप और आपकी जिम्मेवारी है, इस पगड़ी के रूप में आपको एक जिम्मेवारी दी जाती है सर। मेरी जिंदगी का सच में सर, मेरी जिंदगी का बहुत कीमती वो पल था सर, इससे ज्यादा कीमती सर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे सांस भी नहीं, जो पल मुझे मिला सर कल, और मैं चाहती हूँ कि ये पल मेरी पूरी टीम को मिले। इसके साथ के साथ सबसे बड़ी खुशी कि मेरी पूरी टीम ने फुल एंजॉय किया, मैंने जिंदगी में कभी इतनी मस्ती नहीं की जितनी मस्ती सर मैंने कल की। मुझे ज्यादा डांस भी नहीं आता लेकिन सर कल मन भर के डांस किया, बहुत ज्यादा अच्छा, यहाँ तक कि अपने सभी सीनियर्स को भी डांस करवाया, सभी के साथ मिलके किया, पूरी टीम ने किया सर, और सभी के मुंह पे एक ही बात थी, यहाँ तक कि सीनियर के मुख पे भी यही बात थी कि बहादुरगढ़ की आज तक की सबसे बेस्ट जो भी हमारी पार्टी रही कल की थी सर, तो बहुत अच्छी। जब सीनियर ने खुद ये बात बोली तो सर मुझे लगा कल का प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे लगा कि ऐसा फील हुआ सर कि मैंने कोई शादी की है, तो सर बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ भी किया ना सर मैंने टियांसी से ही किया, टियांसी के बगैर मैंने कुछ भी नहीं किया, और टियांसी ने आज इतनी औकात दी सर कि मैं कुछ कर पाई, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगली ही सुबह सर रात को देर तक जैसे गेस्ट आए हुए थे, मेरी टीम थी सभी के साथ बैठ के डिस्कस किया, लेकिन उसके अगली ही सुबह मैं सुबह वीडियो वगैरह फोटो वगैरह चेक कर रही थी सर,
तो मैं चेक करते करते ऐसे ही हमारे ऑफिस से एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि कोई वीडियो या कुछ फोटोज है। जैसे ही मैंने ओपन किया तो वहां पे सर वो लक्की ड्रॉ पॉलिसी का कुछ 2-6 पॉलिसी का वो था, तो मैंने सोचा कि कंपनी ने कुछ ऑफर निकाला है, तो मैंने थोड़ा इग्नोर करने का सोचा सर कि मैं इसको खाना बनाते बनाते सर मैंने देखा कि मैं इसको चेक कर लेती हूँ। उस टाइम खाना बना रही थी, लेकिन मैं जैसे ही उसको सोचा कि मैं बाद में खाना बनाने के बाद इसको अच्छे से आराम से देख के तब इसको फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि बगैर देखे मैं इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकती। जैसे ही मैं उसको क्लोज करने वाली थी, मैंने वहां पे सर नाम देखा अपना सुशील, मैंने सोचा कि इसमें मेरा नाम कैसे, तो सर मैंने तुरंत अपनी आईडी देखी उसके आगे तो 7316150 सर मेरी आईडी थी। तो मैंने दोबारा से उसको ध्यान से पढ़ा ये क्या चीज है, तो सर उसमें लिखा था कि लक्की ड्रॉ जो हमारी जो बहुत फिक्सर पॉलिसी थी कंपनी ने जो 2020 में जो ऑफर निकाला था सर कि आपको 6 महीने तक अपनी पर्सनल आईडी पे ए स्टार को 200-200 पीवी करनी है। उसमें हमारे कुछ महीने दुबई टूर के भी बचे हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने तो दुबई टूर 200 पीवी की वजह से जो कंडीशन रखी थी उसकी वजह से नहीं की थी, लेकिन सर मैंने अपने और अपने हस्बैंड की दोनों की वो स्टार्ट की। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द पैनल कि आप लकी ड्रॉ की विनर हैं। बगैर बताए सर आप समझ गए बिल्कुल। तो मैंने नेक्स्ट मंथ मेरे हस्बैंड की मैं उसको कंप्लीट 6 महीने नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपना कंप्लीट 6 महीने किया। और सर आज इस पैनल में मैं दिल से कहती हूँ सर, मुझे 101% बिलीव था सर कि मेरा लक्की ड्रॉ कूपन 100% निकलेगा सर। जैसे गुड जबरदस्त, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे की सोचोगे ना अच्छा ही होगा। हस्बैंड बाहर बैठे थे सर, मैं खाने को छोड़ के बाहर भागी और मैंने बोला कि बहुत बड़ी खुशखबरी है खुशखबरी है। बोले क्या खुशखबरी है? मैंने बोला कि जो लक्की ड्रॉ कूपन था वो मेरा कूपन निकला है और वो भी फर्स्ट ड्रॉ में, यानी कि जो कंपनी की तरफ से जो फ्रिज प्यूरीफायर था वो मुझे मिला है। लास्ट टाइम में सर मैं चाहती थी कि मैं कंपनी से फ्रिज प्यूरीफायर अचीव करूं, लेकिन मेरी ही गलती से मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं लास्ट में सेल डालूंगी, लास्ट में ये देखूंगी कि मुझे किस साइड डालनी है, लेकिन कंपनी ने पहले ही ऑफर स्टॉक खत्म होने की वजह से उसको खत्म कर दिया। लेकिन अंदर से दर्द था कि मुझे फ्रिज प्यूरीफायर लेना है क्योंकि मेरे घर में, लेकिन फ्रिज प्यूरीफायर मुझे कंपनी से ही चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन खुश हुई कि ऐसा लगा कि भगवान है ना मुझे कितना सर छप्पर फाड़ के भगवान ने मुझे वो दिया पियांसी के रूप में, तो मुझे हर खुशी मिली है सर पियांसी से। मैं जितना ज्यादा पियांसी का उतना कम है मिस्टर ली जुनियन सर का, एक एक गॉड फादर है सर हमारे लिए। हर बहन बेटी की उन खुशियों जो खुशियां कभी अपने जीवन पूरे 7 जन्म भी करते ना सर, मुझे इतनी खुशियां तब भी नहीं मिलती जितनी खुशी मुझे कल मिली और आज मुझे जो फील हुआ। और सर कहते हैं ना कि कोई किसी के लिए तालियां नहीं बजाता, लेकिन जब 250 लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं ना सर तो स्पेशल फील होता है, बहुत अच्छा लगता है सर। और सर इसके लिए मैं अपने को क्रेडिट देती हूँ, अपनी प्यारी सी टीम को सर, इस आईडी नेट सिस्टम को सर, क्योंकि इस आईडी नेट सिस्टम से सर मैंने कुछ सीखा ना सीखा लेकिन यहाँ से सर मैंने नॉलेज बहुत ज्यादा ली है। जैसे अभी हमारे जो योगराज सर है उन्होंने एक जो लाइन बोली कि जब भी हमें लगे कि हमें कामयाब होना है या हमें कामयाब करने कोई और आएगा तो आईने में देख लेना, तो सर ये छोटी सी बात हमें सर पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है। तो थैंक यू योगराज सर आपका भी, और सर पोल सर आपका तो जितना ज्यादा धन्यवाद किया जाए इतना कम है सर। बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी मैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा थी सर, मैं किसी काम में बिजी थी, मैंने काम को छोड़ा, मैंने सोचा कि मुझे शेयरिंग करनी है क्योंकि मुझे नहीं गया सर इतनी ज्यादा। लास्ट में जो हमारे वर्ड है सर कि बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई डायमंड और डायमंड गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, सुपर से भी इसको बोलते ना ऊपर। सुशील जी आप हमेशा, आपने अपनी मेहनत से प्रूव किया है और आप एक जीता जागता उदाहरण हैं। इस टाइम आपके चाहने वाले लगभग 63 लोग ऐसे हैं
फिर लास्ट तक भी बने हुए, टाइम काफी ज्यादा होने के बावजूद भी, ये आपकी मानता है और ये आपकी एक पहचान है और आपका एक वो इमेज है आज लोगों के दिलों में, दिमाग में, और प्रैक्टिकली आपने करके दिखाया है अपनी टीम के साथ में। आप एक रोल मॉडल हैं, बहुत सारे लीडर को सुशील जी को देखना चाहिए। पिछले जब से पैनल है सुशील जी पैनल में आई हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करती हैं, अपनी ग्रोथ को बताती हैं, तो सभी लीडर का कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनने का एक ही तरीका है, आपको अपनी ग्रोथ शेयर करनी है, और ग्रोथ शेयर तभी करेंगे जब आपकी ग्रोथ होगी, राइट। और तो आपको ग्रोथ शेयर करने से डुप्लीकेशन होता है, इंस्पायर्ड होते हैं लोग, राइट। यहाँ आगे हम सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, मोटिवेशन के साथ में हमें ग्रोथ दिखानी है। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं वहाँ कर रहा हूँ, मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, आज मैंने इतनी प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने आज इतनी क्लोजिंग की, मैंने इतनी मीटिंग की, इतना डेमो किया, ये भी शेयरिंग का हिस्सा है। ये दिखाता है यू आर ऑन मूव ऑन मिशन। दोस्तों शेयरिंग कई तरीके से की जाती है, कई बार जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ शेयरिंग ऐसी होती है जिसको सीखने की जरूरत है और सिखाने की जरूरत है आपकी टीम को भी, अपने आप को, क्योंकि फाइनली इंपॉर्टेंट लोग ही लास्ट में बचते हैं, मेन लीडर्स ही होंगे शायद में, और नए भी होंगे, नए लोग भी हैं, उनको भी समझनी चाहिए बातों को। जब आप शेयरिंग करते हैं ना, दैट मस्ट इंस्पायर अदर, मोटिवेट अदर्स। आप ये बोले कि जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कोई भी बात आप ऐसी शेयर नहीं करने की जरूरत नहीं है कि जिसकी, मतलब कहते हैं इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू से, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉट टू से। आपका मन नहीं है, है ना, या फिर अभी आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो फिर आप क्या बोल रहे हो, अभी तो मैं काम कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। अरे शेयरिंग में आपको बुलाया गया है, ये बताने के लिए बुलाया है कि आप काम नहीं कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, तालियां मारें आपके लिए, नहीं, आप कुछ और फीलिंग बताएं अपनी, शेयरिंग करें कि आप क्या फील करते हो ट्यांस के लिए, कितना प्यार है, आप जीरो काम कर रहे हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप अपना वो दिखाइए ना, पैशन दिखाइए, व्हाई यू आर हियर, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, बट हम पागल हैं, हम दीवाने हैं, ठीक है जी, उन दीवानों में एक नाम हमारा भी जरूर लिखना, राइट। ये मैसेज कराना है इधर आके, और अपनी कोई राम कहानी नहीं बतानी है, अपनी राम कहानी इन द सेंस की इनएक्टिव, जब एक्टिव कर रहे हैं। आज देखो आप सुशील मित्तल जी ने क्या बात की है, मतलब इसको तो बोलते हैं ना कि एक अलग से सुपर नेचुरल पावर, और ये होता है जब आप जिनके साथ जुड़ जाते हो ना, लिंक में आते हो, वो आप किसी नजर में आते हैं, जिनको आप सच्चे मन से सच्चे दिल से चाहते हो वो आपको इसी रूप में दिखते हैं। तो ये एक समर्पण की भावना है, ये एक विश्वास की भावना है, और इसके लिए टाइम लगता है। जो पिछले एक साल से देख रहे हैं, कई देखो लोग क्या करते हैं, है ना, शुरू में लोग आपको जज करते हैं, बोला यार बातें तो सभी करते हैं, पता नहीं प्रैक्टिकल है कि नहीं। फिर करते करते 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल, जब जाके कहानी समझ आती है कि नहीं यार मामला बहुत लोग हैं, मैंने ना वही हवाएं तूफान हमें हिलाने वाले, पता नहीं क्या क्या, बट हमने क्या बोला, हम तो शेर हैं, शेर तो चलता रहता है, तो शेर और शेरनिया चलना है आगे, राइट। रॉक ऑन, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट, जितनी भी तारीफ करूं मैं आप सभी की उतनी कम है, आप अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, आप सीखने के लिए आ रहे हैं, कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ताकत नजर आ रहा है, फीलिंग अलग है। और जो मैंने 3 मंत्र दिए आज, वो मंत्र खुद ही नहीं फूकने हैं, वो अपनी टीम के अंदर डालने हैं, वो मन में, दिल में, आत्मा परमात्मा हर चीज में अगर मिल गए, यकीन करना आपकी टीम बहुत पावरफुल हो जाएगी। ये मामला जो है ना, एक जैसे बनने का है, एक्टिविटी में, सोच में, मन से, वचन से और कर्म से। शक्ल से नहीं बन सकते हैं, राइट, हाइट से नहीं बन सकते हैं, हर चीज मतलब सब यूनिक है भाई, भगवान ने पता कितने बनाए हार्डवेयर, 750 करोड़ के आसपास, अब तो 750-800 हो गए होंगे, 800 करोड़ स्पेशल हार्डवेयर है ये, इसमें सॉफ्टवेयर भी अलग अलग फिट है, ठीक है ना, बस सब यूनिक फीचर हैं, सब में सब यूनिक हैं, स्पेशल, इसीलिए तो हमने रखा वी ऑल आर डायमंड्स। मैंने क्या बोला, ईश्वर की कृपा से सारी चीजें ऐसी जा रही हैं जो आने वाले टाइम जबरदस्त होने वाली हैं, इसलिए अपने बारे में अच्छी फीलिंग रखिए, थैंक यू वाले एटीट्यूड पे रहिए, जीरो कंप्लेंट कीजिए, जीरो ईगो कीजिए,
लेट्स फ्लाई टुगेदर रॉक टुगेदर यूनिटी हारमोनी एंड प्रोस्पेरिटी में आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली यहीं पर पटाक्षेप आज के प्रोग्राम का, बेस्ट विशेज आपको, आपके पूरी टीम को, आप ऐसे आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ ट्रियांस बिजनेस, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, बेटर ट्रियांस बेटर लाइफ, आई लव ट्रियांस, आई लव आईडिनस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। 2022 दिसंबर तक गोल्ड बनना है, इतनी पेटी हर महीने आ सकती है इसी स्पीड से लग गए तो, और ग्लॉस्टर और फोर्ड एंडेवर जैसी शानदार गाड़ियां आपके सीट के नीचे होगी, राइट। तो वंस अगेन थैंक यू बीइंग विद मी टुडे, कल शाम को फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे, फिर नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। अपने आप, अपनी टीम को, उनको भी लाइए, उनको भी ग्रूम कीजिए, ये काम करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा तभी कामयाब होंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। स्टे सेफ स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो शार्प 8:30 PM, टिल देन गुड बाय।